हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राजीस किचन। चलिए आज हम बनाते हैं चावल के आटे की रोटी। ये रोटी बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम होती है खाने में, और बनाने का तरीका भी बहुत ही आसान है। तो इसीलिए मैंने ये बोल के माप से एक कटोरी आटा लिया हुआ है और एक बोल पानी लिया हुआ है। अब इस पानी को हम इस पतीली में गर्म करने के लिए रखेंगे। पतीली में पानी गर्म करने के लिए डाल देती हूँ। साथ में आधा चम्मच नमक हम पानी में ही डाल देंगे। अब हमारा पानी अच्छे से बॉईल होना चाहिए, तो हम इसे बॉईल होने के लिए ढक कर रख देते हैं। चावल के आटे की रोटी बनाने के लिए ये आटा मैंने घर पर पिसाया हुआ है। चावल को अच्छी तरह से दो तीन पानी में धोकर उसके बाद उसे हम सुखा लेते हैं, और वो उसे पिसा कर उसका आटा बनाया हुआ है। बहुत ही फाइन पिसा कर लाया है। आप चाहे तो रेडीमेड आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। चलिए मैं अब देख लेती हूँ, हमारा पानी ऑलमोस्ट अभी बॉईल होना स्टार्ट हुआ है। इसमें मैं ये आटा थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी, और गुटलियाँ ना हो इसलिए मैं हिलाते हुए इसे आटे को पूरा डालूँ। जितना हमने आटा, और गैस में भी मैं बंद कर देती हूँ, जितना हम आटा लेते हैं उसी के नाप से आप पानी भी लीजिए, ताकि दोनों का रेशियो सेम रहे। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेकर हम इसे अभी 5 मिनट तक ढक कर रखेंगे, ताकि अंदर की स्टीम जो है वो पूरी तरह से आटे में मिक्स हो जाए। मैंने आटे को 5 मिनट ढक कर रखा था, अब मैं इसे निकालती हूँ। आटा अभी भी हमारा गर्म है, बड़े परात में ठंडा होने के लिए मैं अब इसे निकाल लेती हूँ। सारा आटा हमें इसमें निकाल लेना है। इस तरह करने से रोटी, चावल की रोटी बहुत ही सॉफ्ट बनती है और खाने में भी बहुत ही मुलायम होती है। अब हमारा आटा बहुत ही गर्म है, तो मैं इसे हिलाकर थोड़ा ठंडा कर लेती हूँ। अब हमारा चावल का आटा ऑलमोस्ट ठंडा हो चुका है, इसे मैं हाथ से आराम से अब मोल्ड कर सकती हूँ। अब हमें पूरा आटा अच्छे से एक साथ भिगा लेना है। आप चाहे तो हल्का सा ठंडा पानी का हाथ भिगा कर इस तरह से भी कर सकते हो। न्यू लर्नर जो करते हैं, नया नया जो सीख रहे हैं, न्यू लर्नर है, उनके लिए ये बहुत ही आसान तरीका है रोटी बनाने का। देखिए हमारा चावल के आटे का डो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब मैं इसे थोड़ा तेल से ग्रीस करती हूँ। तेल डाला है मैंने, तेल से इसे अच्छे से हम ग्रीस करके मसल लेंगे। देखिए हमारा आटा कितना अच्छे से बनकर तैयार हुआ है। अब हम इसकी बेलकर रोटियां बनाएंगे। तो हम इसके पेड़े बना लेते हैं। ये साइज के मैं पेड़े ले रही हूँ।
चलिए तो मैं अब चावल की रोटी बेल लेती हूँ। हमें बहुत ही अपने हथेली से दबाकर इसे अच्छे से एक बॉल बनाना है, बहुत ही सॉफ्ट बॉल बना है। देखिए अब हम आटे से इसे डस्ट कर लेंगे। जैसे हम रेगुलर रोटी बनाते हैं चावल आटे की, गेहूं के आटे की, उसी तरह से हमें इसे बेलना है, लेकिन बहुत ही सॉफ्टली हमें इसे दबाना है। देखिए बहुत ही आसानी से बेली जा रही है। आप चाहे तो पतला जाड़ा जैसी चाहिए वैसे उसे बेल सकते हैं। अब मैंने तवा गरम पे रख दिया है ऑलरेडी। मैं इसे सेकने के लिए अब तवे पे डालती हूँ। एक रोटी मैंने सेकने के लिए डाली है, तब तक हम दूसरा गोला रेडी कर लेते और एक साथ में हम वहाँ दोनों तरफ काम कर सकते हैं और ये जल्दी जल्दी बन जाती है। अब देखिए रोटी एक साइड से थोड़ी पक चुकी है, इसीलिए मैं उसे उल्टा कर रही हूँ। देखिए अब इस तरह से हम चम्मच से इसे दोनों तरफ सेकेंगे और तवा गैस से हटाकर हम फुलके को गैस के ऊपर रखेंगे। देखिए कितनी ढाबे पर बनती है, ढाबे पर जिस तरह से बनाई जाती है वैसे हमारे ये रोटी बन रही है। देखिए मैंने अब रोटी निकाल ली है, अब मैं दूसरी रोटी तवे पर डालती हूँ। अब मैंने पलटा दी है, देखिए रोटी कैसे फूलने लगी है। आप चाहिए तो इसे तवे पर ही पूरी सेक सकते हैं, और अगर आपको फुलकी तरह बनानी है और फुलके की तरह, तो आप उसे डायरेक्ट गैस पर भी डाल सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी दिखाई दे रही है। अब हमारा पूरी तरह से सेक कर आगे पीछे हो गई है, मैं निकाल देती हूँ। सारी रोटियाँ बन चुकी है। इस रोटी को बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, हम गेहूं की रोटी की तरह ही इसे झटपट बना सकते हैं। देखिए किस तरह से फूल रही है। गैस बंद कर देती हूँ। इस तरह से हमारी सारी रोटियाँ फुलकी की तरह बनकर तैयार हो गई है। मैंने 15 मिनट में 10 रोटियाँ बना ली है। हाँ, बहुत झटपट हो चुकी है। आप इसे ज़रूर बनाइए, और आपको मेरा वीडियो कैसे लगा और रोटी बनाने का तरीका कैसे लगा इसके ऊपर आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए।